आदाब सलाम और मोहब्बत, मैं खालिद मजीद, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। प्रोग्राम हुआ है आज की कहानी। वक्त की रफ्तार बहुत अजीब है, अपनी ही चाल चलती है। वो बहुत छोटी सी थी जब उसके अब्बा का इंतकाल हो गया। चचा ने प्यार और एतमाद दिया तो पुप्पो ने लाड प्यार देकर उसकी जिद को पसंद और फरमाइश समझकर पूरा करने की ठान ली। भाई ने मोहब्बत दी, बड़े होने के बावजूद उसकी जिद को फर्ज समझकर खंदा पेशानी से निभाता और उसे निभाना अपना ईमान समझता। माँ तो माँ होती है, लाड वो नहीं करेगी तो कौन करेगा। वैसे भी दुनिया में माँ अल्लाह का अवतार होती है, बस मोहब्बत ही मोहब्बत बांटती रहती है। वो थी तो बहुत ताबेदार, मगर खुद को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहलाने का जोम उसे ले बैठा था। वो अक्सर ही मुंह फट हो जाती थी। वो मुंह फट तो नहीं थी, बस बात बेधड़क कर देती थी। बस यही बात उसके चचा को बुरी लगती थी। कहते तो कुछ नहीं थे, बस हंसते हंसते में उसे समझाने की कोशिश किया करते थे। और फिर वक्त ने मरहम बनकर अपने पर फैला दिए। सबके जख्मों पर उसके अब्बा के बिछड़ने का मरहम वक्त ने लगा दिया। उसने मैट्रिक एफए कर लिया और फिर बीए में दाखिल हो गई। बचपन का लाड अब उसके रवैये से छलकने लगा था। उसने अपने भाई के साथ मवाजना करना शुरू कर दिया। उस दिन अभी यूनिवर्सिटी जाते उसे हफ्ता भर नहीं गुजरा था कि घर में वो भड़क उठी। लो, मुझे पढ़ाया गली के स्कूल में और इसको पढ़ाया शहर के बड़े स्कूल में, वो भी सेटेलाइट टाउन में। मुझे पढ़ाया छोटे से कॉलेज में और इसे पढ़ाया इस्लामाबाद के इतने बड़े कॉलेज में, और अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया, और मेरे लिए वही पुरानी सी छोटी सी यूनिवर्सिटी। चचा ने हंस कर देखा और देखते रहे। वो भड़की हुई थी, बोली, वहाँ तो पेंडू टच किस्म की लड़कियाँ आती हैं जिन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं है। पता नहीं वो क्या करती हैं, ना उन्हें पहनने का तरीका है, ना बोलने का, ना ढंग ना तंग। और हद तो ये है, उन्हें ये भी नहीं पता शवारमा क्या होता है, रोल पराठा क्या होता है। वो तो सूप को भी बड़ी हैरानी से देखती हैं। हाँ, यखनी पीनी है, लो भाई, ये क्या बात हुई। मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिल करा दिया जहाँ पे कोई ढंग की सहेली भी नहीं है। आखिरी बात करते करते उसने उनकी शक्लें भी बनाना शुरू कर दी। एकदम उठी और उनके अंदाज में चलने लगी, फिर कैंटीन में होने वाली बातें बताने लगी। फिर एकदम बोली, वैसे वो है बड़ी बेईमान, पता है चचा, हम कैंटीन में बैठे थे, कहती है आओ कुछ खा लेते हैं। उसने तो नहीं कहा, मैंने ही उसको कहा था। हमने वहाँ पे खाने के लिए ऑर्डर दे दिया। मैंने सोचा चलो कोई चीज़ खाने के लिए आ जाएगी तो आधे आधे पैसे कर लेंगे। लेकिन जब वो चीज़ आई तो उसने सिर्फ 30 रुपीज़ दिए, 150 तो मुझे देने पड़ गए। मैंने उससे दोस्ती ख़त्म कर दी है। अच्छा, आपने उससे दोस्ती ख़त्म कर दी सिर्फ इसलिए कि उसने आपको पैसे नहीं दिए थे। उसके चचा ने उसे पास बिठाते हुए कहा, देखो बेटा, ये बताओ उसका दाखिला यूनिवर्सिटी में किसी सिफारिश से हुआ है। अरे नहीं चचा, मेरिट पे आई है, उसने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अच्छा, आप भी तो मेरिट पे गई हैं, फिर आपका और उसका कोई फर्क नहीं। अच्छा ये बताएं, नंबर आपके कम हैं या उसके कम हैं। उसके नंबर मुझसे ज्यादा हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो दोस्ती के काबिल नहीं है क्योंकि उसके नंबर तो ज्यादा हैं। आपको तो वैसी सहेली बनानी चाहिए ना जो आपसे कम नंबरों वाली हो या आपके बराबर नंबर वाली। लाइक बच्चे को लाइक के साथ बैठना चाहिए, नालायक बच्चे लाइक बच्चों के साथ तो नहीं बैठते ना। और बात देखो, वो जो बच्ची कम नंबर लेके लाइक के पास नहीं बैठ सकती, तो वो जो लाइक वाली है उसको क्या हक है कि वो किसी नालायक बच्ची के साथ जिसके नंबर कम है उससे दोस्ती करती फिरे। वो नालायक हो सकती है ना। कभी अपनी पुप्पो से पूछना ये किस तरह के कॉलेज में जाती थी। कभी अपनी पुप्पो से पूछना वो कैसे और किस तरह के कॉलेज में जाती थी। कॉलेज से निकलना, 2-2.5 घंटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठना, बल्कि रुल के आना। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि बस के पायदान पे खड़े होकर वो घर तक पहुंचती थी। और ये सफ़र करते हुए कभी भी वो परेशान नहीं हुई। लेकिन बेटा, इसमें तुम लोगों का कसूर नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे ज़माने में 3G है,
4G है, जबकि हमारे ज़माने में ना 3G था ना 4G था। हमारे ज़माने में तो अब्बा जी थे, उस्ताद जी थे, अम्मी जी थे, है ना, और रिश्ते थे, हर रिश्ते के साथ जी लगता था और फिर हर एहतराम का रिश्ता जी से शुरू होता था। और अब ऐसा नहीं है, पता नहीं वो हमन्नकों की तरह क्यों गौर से देखे जा रहे थे। देखो ना, आप लोग क्या करते हो, मामा, पापा, मैम, सर, मास्टर जी नहीं रहे, उस्तानी जी नहीं रही, ऐसा ही है ना बेटा। ये जो आपने आज अपनी सहेली का दिल दुखाने का सोचा है ना, ये बहुत बुरी बात है। आपको क्या पता कि उनके पापा हैं कि नहीं हैं, उनको माली सपोर्ट कौन कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत ही गरीब हों और वो पेट भर के रोटी ना खा सकते हों। लेकिन बेटा आप ये तो देखो, वो बच्ची लायक कितनी है, पढ़ने का शौक है और वो सिर्फ तालीम हासिल करने आती है। वो जो कैंटीन में जाकर टिकटॉक बनाने और कैंटीन के चोंचलों से वो दूर है, ये भी तो सब अमीरों के चोंचले हैं ना। तुम्हारी फूफो ने और हमने तो कॉलेज में 4 साल कैंटीन में सिर्फ 1 दफ़ा जाके चाय पी थी, कभी पूछ लेना उनसे, पैसे नहीं होते थे ना। अब गौर से हमारी बात सुने, आप पर लाजिम है कि आप जब कल यूनिवर्सिटी जाए ना, तो जाके उस सहेली को साथ लेना है, उसे अपने साथ लेके कैंटीन में जाना है, उसकी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाना, कोई तंज किए बगैर उसे सब कुछ खिलाना है, उसे बताना है कि यार देखो ये शवारमा होता है, ये रोल पराठा होता है, और ये सब कुछ अपने पैसों से करना है। ये जो पॉकेट मनी आपको मिलती है ना, कभी कभी दूसरे को खिलाने से देखना आप कितने मुतमईन हो जाएंगे। और फिर बेटा एक और बात, ये जो शादी ब्याह पे जाकर कभी कभी आप खानों का नुक्स निकालती हो ना, बेटा आज के बाद कभी किसी के खाने का नुक्स नहीं निकालना। आपको नहीं पता बेटा, वो जो खाना होता है ना, उसके लिए माँ बाप और उनका बाप, वो जो बाप होता है ना, इस शादी के एक खाने के लिए सारी जिंदगी कमाता है और फिर जाके एक खाना पकता है। और आप लोग क्या करते हो, खाने का मज़ा ही नहीं आया, है ना। आज के बाद आपने नुक्स नहीं निकालना, ओके, ठीक है चाचू, ऐसा ही होगा। फिर चाचू, ओहो चाचा जी, अब कभी ऐसा नहीं होगा, और आज के बाद चाचा जी के साथ जी जरूर लगेगा, चाहे वो चाचू हो या चाचा जी। आई एम सॉरी चाचू, आइंदा कभी किसी का दिल नहीं दुखेगा। कहानी आपने सुनी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। देसी टीवी USA को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खालिद मजीद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।